ओके सो हाय एवरीवन, तो अभी हम हैं हाईवे 407 के सबवे स्टेशन पे और यहां से हम लेंगे टीटीसी का डे पास $13 का। हाँ जी, तो ये डे पास मिला है, ये भी प्रेस्टो की तरफ से ही है, जो हमने ब्रैम्पटन सिटी टूर वाली वीडियो में प्रेस्टो की बात की थी। अगर आपने दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल किया हुआ है तो टोरंटो सबवे ट्रैवल जो है आपको बिल्कुल वैसा ही थोड़ा बहुत लगेगा। इस टाइम जितने भी लोग हैं वो सुबह सुबह अपने अपने ऑफिस जा रहे हैं टोरंटो डाउनटाउन की तरफ। और इतनी भीड़ से निकलने के बाद जब हम सबवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो हमें सामने दिखेगा CN टावर। अभी जो आप सामने देख रहे हो वो है YD स्क्वायर, यंग डंडस स्क्वायर, जहां पे आपको सारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस और खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। और सुबह सुबह क्योंकि हम जल्दी उठे थे अपने USA वीजा के अपॉइंटमेंट के लिए, तो पहले जाएंगे टिम हॉर्टन्स कॉफी पीने के लिए। ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक है बाइक शेयर जिसका जो रेंट है वो है $3.25 to $7 एक दिन के लिए, और दूसरी ऑफ कोर्स TTC। हाँ जी, तो TTC का यहाँ पे ये फायदा है कि फ्रीक्वेंसी जो है इतनी ज्यादा कि हर 2-2 मिनट में बस है। तो डाउनटाउन में जब आप हो तो आपको बिल्कुल भी पैदल चलने की जरूरत नहीं है। अब जैसे मैं पीछे US वीजा सिम्को स्ट्रीट जहाँ पे थी वहाँ से यहाँ तक आया हूँ डंडा स्क्वायर तक, तो यहाँ पे अब हम खाना खाने लगे हैं। तो आपको सिर्फ वो डे पास चाहिए और आप अनलिमिटेड ट्रैवल कर सकते हो यहाँ। छोटे छोटे मतलब बिल्कुल भी वॉक करने की जरूरत नहीं है आपको, छोटे छोटे डिस्टेंस के लिए भी यहाँ पे बसेस जो है उसकी फ्रीक्वेंसी उसकी सर्विस बहुत अच्छी है। खाने के लिए आई विल रिकमेंड 10 डंडा स्ट्रीट जो बिल्डिंग है उसके 3rd फ्लोर पे आपको पूरा फूड कोर्ट मिल जाएगा। मेरे पीछे आप देख रहे हो सिटी साइट सीइंग वालों की बस है, इनका एक पैकेज है जिसमें ये सारा आपको घुमा देते हैं टोरंटो बेसिकली डाउनटाउन। और पैकेज में क्या क्या इंक्लूडेड है ये मैं आपको पता करके बताता हूँ अभी। ये सामने टोरंटो ईटन सेंटर का जो मेन गेट है, तो ये जो ईटन सेंटर है इसके थ्रू जब आप वहां से निकलोगे ना तो नेथन फिलिप स्क्वायर पे पहुंचोगे सीधा, तो हम यहाँ इसके थ्रू जा रहे हैं। तो ये है जी ईटन सेंटर टोरंटो का अंदर से। जब हम नेथन फिलिप स्क्वायर एंटर होने वाले थे तो हमें जो सुनाई दिया वो ना पंजाबी म्यूजिक था, ना इंडियन, ना इंग्लिश, ना कैनेडियन, ना अमेरिकन, वो था अरेबिक म्यूजिक। हाँ जी, तो राइट नाउ आई एम एट वन ऑफ द मोस्ट सिग्नेचर स्पॉट्स इन द होल ऑफ कनाडा, ये नेथन फिलिप्स स्क्वायर टोरंटो में। ये वो सिग्नेचर बिल्डिंग्स हैं और अभी जो मेरे सामने है वो है टोरंटो का सिंबल जो के रहा ये। तो इस टोरंटो के साइन के बिल्कुल वहां पे स्केट्स मिलते हैं, तो वहां से होते हुए वहां फ्रंट पे जाने लगे हैं। यहाँ पे विंटर्स के टाइम यहाँ पे स्केटिंग होती है, तो अभी वहां जाके कुछ फोटोज खिंचवा के मैं शायद इंस्टाग्राम अपडेट करूंगा काफी टाइम बाद। अब हाँ जी, तो नेथन फिलिप स्क्वायर के पास आपको ऐसे बहुत सारे स्टॉल्स, ट्रक, फूड ट्रक्स मिल जाएंगे जहां पे आपको $2, $3, or $4 तक स्ट्रीट फूड टाइप चीजें मिल जाएंगी। तो अब हम नेथन फिलिप स्क्वायर से जा रहे हैं हार्बर फ्रंट की तरफ। ये है बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल की पुरानी बिल्डिंग और इधर साथ में है बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल की नई बिल्डिंग, और वो जो उधर सबसे बड़ी वाली है वो है TD बैंक की। तो अब हम जा रहे हैं उधर वाली साइड हार्बर फ्रंट, बिल्कुल सीधा यहाँ से। तो बाय द वे ये स्कोशिया बैंक का जो पुराना बैंक ऑफ नोवा स्कोशिया नाम है और ये पुरानी बिल्डिंग है यहाँ की। तो यहाँ पे मेनली मेरे ख्याल से सारे बैंक्स की जो है हेड ऑफिस या सबसे पुरानी वाली बिल्डिंग यहीं पे हैं, और CIBC ऑफकोर्स।
और जो आरबीसी है वो इस प्यारी सी बिल्डिंग में है। ओहो, और इन सभी बड़ी बड़ी बैंक्स के बीच, आरबीसी, टीडी बैंक, बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल, नोवा स्कोशिया बैंक के बीच हमारा छोटा सा वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कनाडा ब्रांच का ऑफिस वो रहा उस बिल्डिंग में। तो उन सभी बिल्डिंग्स को क्रॉस करके जब आप यहाँ पे पहुँचोगे तो आपको इस तरफ दिखेगा ये हार्बर फ्रंट, और ये फेरी जो है ये आपको लेके जाएगी वहाँ टोरंटो आइलैंड्स तक, जहाँ पे आपको स्काईलाइन का व्यू दिखेगा। अब हम थोड़ी देर यहाँ पे बैठेंगे। तो इस जगह से आप हार्बर फ्रंट के पास फेरी टर्मिनल है, वहाँ से टिकट्स ले सकते हो। टिकट्स मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कितने की हैं। ऑलमोस्ट हर 15-15 मिनट में फेरी जो है वहाँ से टू एंड फ्रो होती है। तो टोरंटो डाउनटाउन में आपको वो सारी जगहें मिल जाएंगी जहाँ पे इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस पीस तो यू कैन स्पेंड योर टाइम देयर। और इसके अलावा अगर आप शॉपिंग करना चाहते हो तो टोरंटो ईटन सेंटर और बहुत सारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं जहाँ पे आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो वहाँ पे शॉपिंग करने आए होंगे या आसपास में जो ऑफिसेज हैं वहाँ से अपनी ब्रेक स्पेंड करने के लिए आए होंगे। और यहाँ पे एज एक्सपेक्टेड हर तरह के इंटरनेशनल ब्रांड्स अवेलेबल हैं। और जब आपका इन सभी चीज़ों से मन भर जाए तो अगर आप सीएन टावर और रिप्लेस एक्वेरियम की तरफ जाना चाहते हो तो मैंने वहाँ जाने के लिए स्ट्रीट कार ऑप्ट की थी। स्ट्रीट कार नेथन फिलिप्स केयर के आगे से होते हुए गई थी जॉन स्ट्रीट की तरफ। तो मैंने यहाँ उतर के सोचा था ये जॉन स्ट्रीट है, यहाँ से सीधा बिल्कुल सीएन टावर है। मुझे लगा था यहाँ से बस मिल जाएगी बट सड़क बेचारी अब बस के लायक रही नहीं है, अभी तो वॉक करनी पड़ेगी। समर और फॉल सीजन में आपको बहुत सारी ऐसी जगह पे कंस्ट्रक्शन होती दिख जाएगी क्योंकि ऑब्वियसली ये कंस्ट्रक्शन विंटर्स में तो हो नहीं सकती। और ये यहाँ काफी अच्छा आर्किटेक्चर, आईमैक्स थिएटर है डाउनटाउन का। क्योंकि यहाँ पेडेस्ट्रियंस को राइट ऑफ वे है तो जब तक आप सड़क क्रॉस नहीं कर लेते तब तक गाड़ियां भी जगह से नहीं हिलेंगी। टोरंटो ईटन सेंटर जो मॉल है यहाँ पे, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महंगे ब्रांडेड कपड़े मिल रहे थे या ब्रांडेड शूज़ मिल रहे थे। वहीं अगर आप पीछे मेरे मार्शल्स दिख रहे हैं आपको, इस जगह पे आते हो तो ये ऑफ रिटेल प्राइसिंग है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आपको प्राइजेस मिलेंगे अपने सारे कपड़ों के, गारमेंट्स के या और भी कई चीज़ों के, वो ब्रांडेड ही हैं, सेम ब्रांड्स हैं लेकिन काफ़ी कम प्राइजेज हैं। तो अगर टोरंटो डाउनटाउन में शॉपिंग करनी है तो दिस इज़ द राइट प्लेस, आई रिकमेंड दैट। और यहाँ ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है। कहीं जगह पे आपको ऐसे अटेंडेंट्स मिल जाएंगे जो आपको गाइड करते रहेंगे। सजेस्टेड यही है कि जैसा वो कह रहे हैं आप उस हिसाब से अपनी डाइवर्जन्स लो। इसके बाद हम जा रहे हैं सीएन टावर की तरफ और जो के अब दिखेगा बिल्कुल यहां पे। हेलो, हे, सो द थिंग इज अभी मैंने इससे ऊंची बिल्डिंग आज तक नहीं देखी क्योंकि मैं दुबई गया नहीं हूं। सो फॉर मी ये अब तक का सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर है जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है। सो थैंक्स टू टोरंटो। Okay ma'am, so just like me, many of the people who are watching this video right now are going to be very new. So what are the prices and what are the options we can choose from?
So the first gentleman's option is go through security, go inside, buy a ticket. Tickets are $38 plus tax for adults over 12 years old, 28 for children under 12, and 34 for seniors over 65. So that gets you up to two observation levels, the lookout level and the glass floor level. As well as if you did want to purchase another ticket, $15 extra, take you to Sky Pod. That's our highest observation level, 100 meters higher than the first two. Okay. So that's the ticket option. Mm-hmm. And then we also have our restaurant. Okay. So the restaurant includes the general admission as well. So that's $68 for two course, $75 for a three course meal. Awesome. Reservation based. Great. And the city pass, which includes like five of the facilities, like CN Tower, Ripley's, and like three more, that costs around $100, right? It's about $89, something like that. Okay. So that's a fair deal as well, right? Yes, that is. And you can buy them inside as well. Also, everything is inside? You can buy it all inside, or you can buy it on your phone. Thank you so much. See you. Bye. Thanks. रिप्लीज एक्वेरियम में जो टिकट्स हैं वो वेरी करती हैं अराउंड $33 से $39 तक पर एडल्ट। तो जहां तक मुझे लग रहा है वो जो पैकेज है ना कंप्लीट $90-100 वाला जिसमें सारा कुछ ही है एक्वेरियम भी है हाय तो जिसमें सारा कुछ ही है एक्वेरियम है सीएन टावर है सब कुछ है और तीन चीजें और हैं शायद तो वो ज्यादा बेनिफिशियल पैकेज है इनफैक्ट अगर आपकी सारी फैमिली है चार जनों की फैमिली आ रही है $100 सभी पे खर्चो $400 में सारा टोरंटो एक हिसाब से कवर हो जाता है डाउनटाउन हाँ जी तो काफी ज्यादा चलने के बाद मुझे थोड़ी भूख लग गई है यहाँ पे जो आसपास रेस्टोरेंट्स हैं डाउनटाउन होने की वजह से और पूरी टूरिस्ट स्पॉट होने की वजह से थोड़े से ऑब्वियसली एक्सपेंसिव है जैसा कि दुनिया में हर जगह होता ही है तो अब चक्कर क्या है कि हार्विस जब मैं सुबह गया था तो वहां से एक बर्गर पैक करा लिया था मैं और वो हार्विस से ही क्यों कराया वो अगर आपने ब्रैम्पटन सिटी टूर की वीडियो देखी है तो आपको पता होगा बर्गर खाते खाते अपने फ्रेंड्स की वेट करते हैं जो ऊबर करा के अभी यहाँ आ रहे थे लेकिन डाउनटाउन की ट्रैफिक के कारण फंस गए हैं तो मेरा सजेशन यही है कि जब अगर आप डाउनटाउन घूमने आ रहे हो ना तो पैदल चलो अगर पैदल नहीं चल पा रहे तो वो जो डे पास हमने शुरुआत में लिया है ना $13 का वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि अगर आप ऊबर करा के आ रहे हो चाहे जितने मर्जी कूपन है आपके पास जितनी मर्जी आपको फ्री में भी ऊबर मिल रही है ना तो अभी मत कराओ क्योंकि जितनी यहाँ पे ट्रैफिक है ना वो फंस गए हैं आधा घंटा हो गया अभी तक पहुंचे नहीं है तो शायद अब जब तक बर्गर खत्म हो जाएगा तब तक पहुंच जाएंगे हाँ जी तो अभी ये साइट सीइंग टूर वालों की बस है टोरंटो को मतलब पूरा घुमाती है इनसे अभी मैंने पूछा $46 पर एडल्ट है इसकी फीस तो मुझे अभी इन्होंने ये दिया पूरा मैप जिसमें ये सारा घूमेगी तो ये जो मैप है इसमें सारे प्राइसेस लिखे हैं इनके पैकेजेस के $106 में टोरंटो नायग्रा या $46 में सारा टोरंटो कवर होना है ऑनलाइन भी मेरे ख्याल से ये अवेलेबल होएगी तो ये वाली आपकी एक लिस्ट बन गई है टोरंटो जब भी आप घूमने आ रहे हो मेरे पास क्योंकि इतना टाइम नहीं है एक ही दिन था यूएस वीजा के लिए मैं आया था कभी दो तीन दिन लगा के यहाँ पे जाएंगे अपनी फैमिली के साथ घूमेंगे तो मैं शायद आपको ये सब कुछ भी दिखा सकूं तो अभी के लिए दिस इज द लिस्ट एंड दैट्स इट मेरा गला खराब होने वाला दैट्स इट आई होप इट हेल्प्स